एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। तो मैंने रेड सॉस पास्ता की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं लेकर आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। तो पास्ता लिया है मैंने ये एक बाउल, तो इसे पहले बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल करने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें मैंने दो गिलास पानी डाल दिया है और एक चम्मच ऑयल डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वैसे भी ये निकल ही जाएगा पानी निकाल देंगे। तो आधा चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, और अब इसमें डाल देंगे पास्ता। तो एक बाउल पास्ता लिया है मैंने, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बॉयल होने देंगे। तो 10-15 मिनट बॉयल करने के बाद, 15 मिनट बॉयल कर लेंगे इसे और इसे चेक कर लेंगे। तो ये आसानी से जब टूटने लगे तो इसका मतलब ये पक चुका है। तो इसे छलनी में निकाल लिया है और पानी निकाल देंगे। तो अब पानी मैंने इसका निकाल दिया है, तो अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ठंडा पानी। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी, और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए और चिपचिपापन निकल जाएगा इसका। और इसे छोड़ देंगे साइड में, और फिर एक पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे। तो एक चम्मच घी ले लिया है मैंने इसमें, और इसमें दो चम्मच मैदा डाल देंगे। तो दो चम्मच मैदा डालकर इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तो अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद इसे चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो 2-3 मिनट लग गए थे रोस्ट करने में, तो ये अब घी सा छोड़ देगा थोड़ा सा, और ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। तो इसे चलाते रहेंगे और छोड़ना नहीं है, इसे अच्छी तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। देखिए अब ये थोड़ा सा घी को छोड़ने लगा है और अच्छी तरह से भुनने लगा है, तो इसमें से खुशबू आने लगेगी। जब ये भुन जाएगा तो अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 कटोरी दूध ऐड कर देंगे। तो ये दूध लिया है मैंने और ये डाल देंगे, और इसमें 1/2 कटोरी और दूध डाल दिया था मैंने, तो 1.5 कटोरी दूध डाला था। ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं बीच में क्योंकि लम्स पड़ जाएंगे। तो ये 5 मिनट बाद थिक हो जाएगा अच्छी तरह से। ये देखिए अब ये थिक हो चुका है, ये देखिए अब ये थिक हो गया है। तो अब इसे चेक कर लेंगे और इसे एकदम थिक कर लेंगे। तो इसे चेक करके देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, एकदम क्रीमी सा। तो इसे छोड़ देंगे। तो अब एक कढ़ाई लेंगे, तो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। तो इसे तड़का लगाएंगे पास्ता को। पास्ता को तड़का लगाने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़े से प्याज लंबे कटे हुए, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे टमाटो। तो वैसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें डालने के लिए, तो कोई भी शिमला मिर्च आप कोई भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं टमाटर डाल रही हूँ, जैसे मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी। इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, और नमक डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग। तो 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक, और थोड़ी सी डाल दी मैंने चिली फ्लेक्स, तो 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दी है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसमें कोई और मसाले नहीं डालेंगे, बस नमक और मिर्ची डालेंगे और चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो ऑर्गेनो है तो आप ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, पास्ता इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो जो हमने सॉस बनाकर रखी थी वाइट सॉस, वो डाल देंगे इसमें। तो ये वाइट सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने सारी सॉस इसमें डाल दी है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने 1 चम्मच मेयोनीज़ डाली है इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और तो देखिए क्रीमी सा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसे सर्व करेंगे। और कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।